फटी, फटने से पहले अगर फटने वाले की ना फटे तो फिर क्या फतेह। दोस्तों हीरोपंती 2 फिल्म का ट्रेलर आउट हो चुका है। अब इस ट्रेलर पे दोस्तों सलमान खान ने रिएक्शन दिया है, वही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और सलमान ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि जो टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती है उसका ट्रेलर जो आउट हुआ है, ये फिल्म रिलीज़ की जाने वाली है ईद के मौके पर, वो भी 29 अप्रैल को। दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है जब सलमान खान अपनी कोई फिल्म ईद के मौके पर रिलीज ना कर रहे हों। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था क्योंकि उस समय कोरोना और लॉकडाउन था। लेकिन दोस्तों विथाउट कोरोना लॉकडाउन जब सारी फिल्में रिलीज़ की जा रही हैं तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सलमान खान ने अपनी फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं किया है और अपनी फिल्म ईद के मौके पर वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसी की वजह से दोस्तों सलमान खान चाहते हैं कि अपने जितने भी फैंस हैं सभी को ईदी मिले, भले ही दूसरा कोई एक्टर दे, चाहे वो अजय देवगन हो। अजय देवगन को भी लेकर उन्होंने पिछली बार कहा था कि अजय मैं ईद पे नहीं आ रहा हूँ, तू आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग तेरी फिल्म देखकर एंजॉय करेंगे। वहीं दोस्तों अब टाइगर श्रॉफ को लेकर भी सलमान खान का यही कहना है कि कोई भी एक्टर ईद पे आए कोई दिक्कत नहीं है, बस फिल्म उसकी अच्छी होनी चाहिए, दर्शक उसको पसंद करने चाहिए और दर्शकों का ईद पे इंजॉयमेंट होना चाहिए। तो कुल मिला के सलमान खान का यही कहना है, बेस्ट ऑफ लक कहना है टाइगर श्रॉफ को। अब दोस्तों इस पे आपकी क्या टिप्पणी है और आपका क्या कहना है कमेंट में लिख के बताएं। सब्सक्राइब कर दोस्तों टॉप ऑफ इन फैक्ट्स ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही हमेशा मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।